रिव्यू नहीं, अब डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि हम पहुंच गए हमारे डॉक्टर के पास, क्योंकि दिव्यू की वैक्सीनेशन होनी है। तो दिव्यू का देखो रिएक्शन, रोना शुरू कर दिया कितना मेरे बहुत फीवर आया था इसको, इसकी हालत है अभी। बोला पापा दिव्यू, अच्छा फेस तो दिखाओ। डुगू खाना देना है ना डुगू को? नहीं नहीं नहीं, आज तक कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं। आ रहे डैडू, आ रहे आ रहे आ रहे डैडू आ रहे। कोल्ड ड्रिंक लेनी है? अभी देख, पिज्जा खाना है? पिज्जा खाना है? हाँ कोल्ड ड्रिंक भी। आगे डैडू डैडू आगे 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 डैडू आगे। देखो ये लड़का कैसे हरकत कर रहा है। अब मैं आपकी ना सारी हरकतें नोट करूं। हां इनको ऑर्डर दे दिया और देखते रहना ये कैसी हरकतें करता है। हां हां हां, मम्मा के हेयर पकड़ता है। देखो मेरे बाल खींच रहा है, बालों को बना रहा है। फोनी ना फोनी फोनी नहीं बनानी है, दिस कैन कोल्ड कॉफी लेनी है। हां मम्मी ने ये डालो अभी। करो यहाँ रखो, यहाँ पर रखो, ऐसे रखो, फिर खाना खाएंगे ना हम लोग। बेबी देखो रखो रखो खाओ, ऐसे ही खाओ। गुड, हम लोग आए हुए हैं स्वागत में कुछ खाने के लिए। और दिव्यू हमने दिव्यू के लिए मंगवा दिए कोल्ड कॉफी। दिव्यू कोल्ड कॉफी पी, और कोल्ड कॉफी मंगवाई दिव्यू के लिए। क्या चाहिए आपको? आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए। डॉग को कुकू नाम रखा है दिव्यू ने। देखो कुकू कहाँ जाएंगे, थोड़ी बहुत देर में उसको पिक कर लेंगे। मैं और शांत और दिव्यू को हम जा रहे थे डॉग को लेने के लिए, लेकिन रास्ते में हमें दिखा मेला, तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते। ये देखो, तो वैसे भी हम आगे से कट लेना ही है, तो हमने कहा चलो मेला घूम ही लेते हैं आराम से। अब देखते हैं क्या क्या इसमें। ये देखो अच्छा सोफा भी रखा है, अगर किसी को बैठना है तो सोफे भी बैठ सकते हो आप लोग। कपड़े खरीदने तो कपड़े खरीद सकते हो, कोई भी ब्रांड ले सकते हो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुछ खाना पीना है तो वो ले सकते हो, है सब कुछ है यहाँ। वन पीस भी है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा यहाँ। देखो और देखो ये जड़ी बूटी वाला तेल भी है भाई साहब। हम लोग पहुँच गए, देखो बालों की हालत क्या हो रही है। 24 घंटे खाने नहीं सोचता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचता ये। हाँ जी चलने लगी ऐसे। आज मुझे जाना है DLF, और क्योंकि मुझे पंकज की वॉच लेकर आनी है, उनकी वॉच दी हुई थी, एक्चुअली में थोड़ा इशू आ गया था। एंड इसके अलावा मुझे जाना है, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँगी जूडियो से कुछ ड्रेसेस लेकर आनी है मुझे। तो मैं रेडी हूँ, दिव्यू सो रहा है तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। प्लस अभी मैंने किया है अपनी द मिलानो हैंड बैग की रिव्यू वीडियो, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड बहुत सुंदर गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर, मैं दिखा सकती थी बट मैं दिखाऊंगी नहीं, फिर आप मेरी वीडियो में देखिएगा कि वो कैसा कैसा नहीं। एंड अभी टाइम हुआ है 4:31, तो मेरा ये कि मैं जल्दी से जाऊँगी, फिर जल्दी से मैं वापस आ जाऊँगी। हम जो है जो स्ट्रीट डॉग था ना, उसका नाम कुकू रखा है, तो कुकू को हम कल ले आए थे क्योंकि डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो अभी हम उसको अपने पास रख रहे हैं कुछ दिन। उसके बाद जब वो सही हो जाएगी तो फिर हम उसको उसके फैमिली के साथ छोड़ देंगे। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि उसकी हालत क्या है, एंड मतलब उसकी कंडीशन क्या है इस टाइम पर। ये पावलो सोया हुआ है, एंड ये देखो मैं इसको मैं खाना वगैरह सब प्रॉपर दे दी हूँ।
इसको डायपर इसलिए पहनाया हुआ क्योंकि इसको ना भी आइडिया नहीं है टॉयलेट वगैरह कहाँ करना है कहाँ नहीं, तो ये कई बार ना रूम में कर देती है। एंड देखो इसको प्यार कराना है, कुकू कुकू। इसके रेविज की वैक्सीनेशन भी हो गई है एंड उसके साथ एक और वैक्सीनेशन होती है वो भी डॉक्टर ने कर ली है एंड वो नेक्स्ट मंथ होनी है। इसके अलावा इसकी जो मेडिसिन वगैरह वो सब चल रही है। कुकू कुकू अब ये चलने लगी है, पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था इससे। एंड मॉर्निंग इवनिंग में मैं इसको घुमा रही हूँ, कल नाइट में मैंने इसको बाहर घुमाया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी टेरिस है एंड मॉर्निंग में भी, ताकि शूशू पॉटी आराम से कर सके एंड दिन में डायपर लगा देती हूँ, चेंज भी करती रहती हूँ। एंड दिव्यो भी सो रहा है तो इसको जगा नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये मतलब ठीक है, जब तक सो रहा है सो रहा है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, इसको मतलब ये जब मैंने गार्ड से पूछा था ना कि मतलब कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये बैठी हुई थी नाइट के टाइम पर, रोड पे बैठती हैं स्ट्रीट डॉग, एक कार वाला आया उसने इसको हिट किया, जिधर जिधर ये बच रही थी ना उधर उधर ही जाकर वो हिट कर रहा था, या तो वो नशे में था ड्रिंक किया हुआ था जो भी था, या बहुत से लोग खुंदस निकालते हैं जानवरों से, कुछ भी हो सकता है। हमें जब पता चला उस दिन मैं इनको खाना देने नहीं गई थी तो मुझे पता नहीं, नेक्स्ट डे में गए तो उन्होंने मुझे बताया ये पांच सिस्टर थी जिसमें से एक को उठा कर ले गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था वो एक्सपायर हो गई थी एंड उसका हमें पता ही नहीं चला था ना, उन्होंने हमें बताया था काफ़ी दिन बाद बताया। और इसके बाद एक इसका एक्सीडेंट हो गया, इसके अलावा दो ही है, तो हम सोचेंगे देखते हैं अगर ये हमारे साथ मतलब हम सोचेंगे क्या फैमिली से अलग करना, ऑलरेडी मेरे पास दो डॉग हैं तो हम इसको सही होते ही इसको छोड़ देंगे, अगर नहीं रुकती है तो हम इसको अपने पास रख लेंगे। एंड बहुत ऐसे मतलब इतने सारे लोग होते हैं ना जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, मैं कई मानती हूँ कई बार धोखे से हो जाता है एक्सीडेंट क्योंकि सडनली सामने डॉग आ गया आपको नहीं दिखा, बट काफ़ी केसेस मैंने देखा कि लोग जानबूझ के भी करते हैं, मतलब उनको लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं, इनको कुछ दर्द नहीं होता, इनको कुछ पेन नहीं होता, ठीक है इनको हिट करके निकल जाए, ऐसा नहीं गाइस इनको भी पेन होता है। मैंने इसको देखा है कितना, जब कुंजू के हमारे पैर में प्रॉब्लम हुई थी ना तो उसको इतनी उसकी सर्जरी थी, इतनी प्रॉब्लम में रही थी ना वो, बहुत रोती थी वो, ऐसे ही है अभी दिखा दी उस अभी जब इसको प्रॉब्लम होगी ना इस वाले पे देखो प्यार के लिए इसकी ना इस पैर में थी इस वाले तो अभी भी इसका दर्द होता है, अभी भी ना इसका दर्द होता है, बट अभी ये चलने लगी है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा फोर्स इसको रिकवर होने में। एंड इसकी ना आईस पे भी था इस वाली तो ठीक है, दूसरी वाली पे था, यहाँ भी चोट थी इसके एंड यहाँ है दूसरे वाले में पैर में चोट है इसके एक, बट ठीक है अब बेटर, बहुत बेटर है पहले से ये। गाइस ये वाला जो मिरर है ना ये बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा लगता है। क्या चाहिए स्टिक वो रखी हुई है, उठाओ अपनी स्टिक। और कुंजू ये बैठे, कुंजू को हम इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि कुंजू ना कुंजू को देख के ना मैं भौंक रही है, इसको लग रहा है कुंजू ना इसे मैं तो मार नहीं आ रही कुछ भी, बट ये केयर बहुत करती है कुंजू इसकी। देखो अभी दिखाती हूँ, अभी आएगी, आओ कुंजू बहुत केयर करती है। हाँ 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 हो गया बेटा, अंगड़ाई ले ली, चलो देखो कुंजू के पैर में भी ना रॉड डल, कुंजू बैठा बेटा सिट सिट कुंजू, उसको लग रहा है मैं उसको प्यार कर रही हूँ। कुंजू दिखाओ, कुंजू दिखाओ दिखाओ, देखो इसके पैर में देखो रॉड पड़ी हुई है इसके पैर इस वाले में। तो क्वालिटी पे काफ़ी लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने के, मैंने ज़्यादा दिव्य सो रहा है मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने दो वीडियो बनाई है, वैसे और भी बनाई थी, मैंने कहा चलो ठीक है कल बनाती हूँ। तो मैं सोची सब स्टूडियो जाऊँगी एंड वहाँ से कुछ ड्रेसेस लेके मैं आती हूँ, तो देखती हूँ अभी 5 ऑलरेडी बज गए हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 बजे तक मुझे किसी भी मतलब एनी हाउ मुझे वापस आना है। सोच रही चली जाती क्योंकि ऑलरेडी रेडी हूँ, जब अगर मैं रेडी हो गई तो मुझे लगता है बस मुझे चले जाना चाहिए, कहीं घूमने के लिए घर पे नहीं बैठना चाहिए, पता नहीं क्यों। इसकी हरकतें देखो, इसकी ऐसे ही करता है ये देखो, बस अब मैं इसको स्टैंड को उठा के रख दूँगी, ये काफ़ी टाइम पहले लिया था ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब यहाँ से ये टूट गया था एंड ये कुछ दिव्यू ने भी ख़राब कर दिया, तो मैं सोची अच्छा सा कोई इसको ना चेंज करने वाली हूँ मैं ट्राईपॉड। आज का प्लान हो गया मेरा कैंसिल क्योंकि 7 बजे जाना है पंकज को कहीं, तो संजय को पंकज के साथ जाना है एंड पहले मैंने टाइमिंग लगा दी थी कि 5 बज चुके हैं 8 बजे तक मुझे नहीं आओ वापस आना ही आना है, तो ठीक है मतलब 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में 1 घंटे की शॉपिंग
बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो कैंसिल कर देते हैं क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा। फिर मुझे दिव्या को संभालना बहुत मुश्किल है, और मैंने कहा ना 8 बजे मुझे आना ही आना है मुझे वापस, तो ठीक है कल का देखते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ सरोजनी को भी जाने की, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ लेकिन हो नहीं पाई, तो बारिश हो रही है, फिर मौसम भी कई बार ऐसा होता है एंड दिव्यू पूरी रात जगाता है, तो फिर मॉर्निंग में मेरा लेट उठना काफ़ी लेट हो जाता है, तो वही सारा टाइमिंग है यार, पता ही नहीं होता कैसा टाइमिंग निकल जाती है। चलो देखते हैं, अभी आज का तो कैंसिल हो गया, और मैं सोची वीडियो और बना ली थी बट वीडियो का मुझे लगा नहीं यार मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं बनाऊँगी, मैं कल बनाऊँगी। एंड यहाँ पे मस्ती कर रहा है अभी भी। चलो ठीक है, अब मैं अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ।